हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभी तो दोस्तों 2020 में आईबीपीएस क्लर्क में जो वैकेंसी आई है, तो इसमें दिव्यांगजनों के लिए कितनी पोस्ट एलोकेट किए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा वही स्टेट्स जिसमें दिव्यांगजनों के लिए सीटें हैं। और वैसे तो दोस्तों बहुत सारे स्टेट्स हैं, बट मैं वैसे स्टेट को कवर नहीं करूंगा। सो फ्रेंड्स, जितने दिव्यांगजन हैं, आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिहार से। आप लोग देख सकते हो, ये आपका बिहार का है और ये नोटिफिकेशन का ही हिस्सा है दोस्तों, जो मैंने स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए बिहार के लिए तो एचआई में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो टोटल एक वैकेंसी है, ओसी में जीरो है, वीआई में एक है और आईडी यानी एमडी में एक वैकेंसी है यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद चलते हैं गुजरात में। तो गुजरात में दोस्तों आप देख सकते हैं एचआई में टोटल दो वैकेंसी है, ओसी में यानी जो हैंडीकैप है, जो आपका एलडी कैटेगरी बोल लो, ओसी बोल लो या ओएच बोल लो, सब सेम ही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और उसके बाद वीआई में दो है और आईडी यानी एमडी में जीरो वैकेंसी है। अगले स्टेट में चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला आता है आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में देख सकते हो एचआई में जीरो है, ओसी में एक है, वीआई में जीरो और आईडी में एक। अगला स्टेट में चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला स्टेट आता है आपका झारखंड। तो झारखंड में देख सकते हो एचआई में जीरो, ओसी में जीरो, वीआई में जीरो और आईडी यानी एमडी में एक वैकेंसी है। आता है आप दोस्तों केरला। तो केरला में एक वैकेंसी है एचआई के लिए, ओसी के लिए जीरो है, वीआई के लिए जीरो है और आईडी के लिए भी यहां पर जीरो है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की। तो एचआई में एक है, ओसी में जीरो, वीआई में एक और आईडी में जीरो वैकेंसी है। अगला जोन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला आता है आपका महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा सीट दोस्तों यहीं पर एलोकेट किए गए हैं आईबीपीएस क्लर्क में। तो जितने कैंडिडेट हैं, आप लोग कोशिश कीजिए कि महाराष्ट्र भरने की, अगर आपको यहाँ का लोकल लैंग्वेज पता है। सो फ्रेंड, दिव्यांगजनों की बात करते हैं तो एचआई में दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल यहाँ चार वैकेंसी है। उसके बाद ओसी में दोस्तों यहाँ पर चार वैकेंसी है और उसके बाद वीआई में चार और आपका आईडी में भी चार वैकेंसी यहाँ पर टोटल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला जो आता है दोस्तों आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा में एचआई में एक, ओसी में जीरो, वीआई में जीरो और आईडी में भी यहाँ पर जीरो वैकेंसी है। अगले जोन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला आता है आपका पंजाब। तो पंजाब में दोस्तों वैकेंसी थोड़ी अच्छी है दिव्यांगजनों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एचआई की। तो एचआई में दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 10 वैकेंसी है और उसके बाद ओसी में भी जीरो है, वीआई में दो है और आपका आईडी में यानी एमडी में तीन वैकेंसी है यहाँ पर। अगले जोन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आता है आपका राजस्थान। तो राजस्थान में एचआई में जीरो है, ओसी में एक, वीआई में जीरो और आईडी में एक वैकेंसी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आगे आता है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में एचआई में जीरो, ओसी में एक, वीआई में एक और आईडी में जीरो वैकेंसी है। नेक्स्ट स्टेट में चलते हैं फ्रेंड्स। तो आता है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं एचआई में तीन है, ओसी में दो, वीआई में दो और आईडी में टोटल दो वैकेंसी यहाँ पर है। अगला स्टेट के चलते फ्रेंड्स। सबसे लास्ट में आता है आपका वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में देख सकते हो एचआई में एक, ओसी में दो, वीआई में जीरो वैकेंसी है और आईडी यानी एमडी में एक वैकेंसी है। अब चलते हैं दोस्तों ओवरऑल वैकेंसीज के बारे में। तो मैंने दोस्तों ये अपने से क्रिएट किया है जस्ट आप लोगों के लिए, हेल्प के लिए। तो आप देख सकते हो दोस्तों कहाँ कहाँ के वैकेंसी कितनी कितनी है। तो मैंने स्टेट बाई या देख सकते हैं आप, इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा जस्ट आज ही। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर ले दोस्तों कैटेगरी वाइज ग्रैंड टोटल की। तो आप देख सकते हो टोटल एचआई के लिए जो वैकेंसी है दोस्तों काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका एचआई। तो एचआई में देख सकते हैं फ्रेंड्स नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल है आईबीपीएस क्लर्क में 24। उसके बाद दोस्तों ओसी की बात करते हैं तो इसमें टोटल 12 वैकेंसी है, जबकि यहाँ दोस्तों बहुत सारे दिव्यांगजन अप्लाई करते हैं। आप लोगों जैसे पता होगा 21 तरह के दिव्यांगजन है जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं और ओसी यानी ऑर्थोपेडिकली
चैलेंज। सो फ्रेंड यहाँ पर बहुत सारे वैकेंसी है होनी चाहिए, लेकिन IBPS ने यहाँ पर वैकेंसी घटा दी है, इसका जस्ट हाफ कर दी है। तो HI वालों को इसका बेनिफिट मिलेगा, और HI वाले कैंडिडेट बहुत ही कम होते हैं, और ऑलरेडी इनका कटअप भी बहुत ज़्यादा कम जाता है। तो HI वालों के लिए इस बार बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप अपना एग्ज़ाम क्रैक करके जॉब ले सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं VI की, तो VI में देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 13 वैकेंसी है, और सबसे लास्ट में आपका आता है ID यानी MD, तो MD के लिए टोटल यहाँ पर 14 वैकेंसी एलोकेट किए गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओवरऑल के बारे में बात करते हैं तो टोटल जो वैकेंसी एलोकेट किए गए हैं IBPS क्लर्क में PWD के लिए वो आपका है 63। याद रखिएगा दोस्तों 63 वैकेंसी है, और मैंने आपको वैकेंसी टेबल आपको बता दिया स्टेट वाइज भी, और उसके बाद ओवरऑल भी बता दिया कितनी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज भी। तो चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे आप अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि दोस्तों दिव्यांगजनों के हक की बातें और उनसे जुड़ी हर रोजगार की बातें सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।